निरहुआ जी का देख सकते हैं और उनको हेलो गाइज कैसे हो। मैं ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मस्त होंगे। तो पहले तो आप सभी को मेरा एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है शिवरात्रि, तो पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से शिवरात्रि का ढेर सारे शुभकामनाएं। और अभी रूम में निकल रहे हैं, स्टेशन के लिए जा रहे हैं देवघर, और वहाँ का सारा अपडेट दिखाएंगे, कैसा क्या कौन कौन सा भोजपुरिया सेलिब्रिटी लोग आए हुए हैं वो सारा चीज़ दिखाएंगे, और कितना इस बार भीड़ लगा हुआ है सारा अपडेट देंगे। और यहाँ का देख सकते हैं मौसम भी है, एकदम धूप निकली है और हवा चल रही है, मौसम बहुत थोड़ा भी बादल नहीं है। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। पहुंच गए भैया राजेंद्र नगर, और जो जिस ट्रेन से जाएंगे यही इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। इधर से अभी पटना जंक्शन इधर है और भैया जाएंगे इधर, पहुंच गए जसीडी जंक्शन और टाइम पे ही ट्रेन पहुंचा दी है। हम देवघर के VIP चौक के पास हैं और यहाँ पे देखिए किस तरह गेट बनाया गया, किस तरह सजाया गया, इसी तरह पूरा देवघर को सजाया गया है। जैसे भी आगे जाते हैं देखेंगे तो सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे। चलते चलते टावर चौक आ चुके हैं और यहाँ पे देखे किस तरह बनाया गया है, ये लाइट से पूरा एकदम किस तरह भालू है सजाया गया। इधर देख रहे हैं भूत का राजा भैया। चलते चलते पहुँच गए बाबा के मेन द्वार। चलिए ये देखिए यहाँ पे उतना भीड़ अभी नहीं देखने को मिल रहा है, कि सबसे बड़ा खुशी वाला बात है। ऐसे भीड़ में भैया भीड़ है लेकिन उतना नहीं है। इधर चप्पल खोलेंगे उसके बाद जाएंगे अंदर, आप लोग को दर्शन करवाएंगे भैया मंदिर के अंदर। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह भीड़ है, ये अभी इतना भीड़ देखने को मिल रहा है, तो सुबह कितना भीड़ होगी तो अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी तो एक घंटे के बाद आरती होगी, लेकिन पहले आप लोग को माँ पार्वती और बाबा भोले का दर्शन करवाते हैं, उसके बाद पूरा शिवरात्रि का बाबा का बरात दिखाएंगे। देख रहे हैं वहाँ लोग चढ़े हुए हैं, धागा को खींच रहे हैं, सब न्यू न्यू धागा लगा हुआ है, जितना जितना सारा दिखाई दे रहा है सारा न्यू लगा हुआ है। इधर भी देख रहे हैं इसीलिए पूरा न्यू जैसा झलक रहा है, मंदिर भी लग रहा है पेंटिंग हुआ है। यहाँ ढोल बाजे के साथ पूरा देख रहे हैं, ढोल बाजे भी बज रहा है इधर। इधर देखिए कितना काफ़ी ज़्यादा लोग अभी आए हुए हैं, आप लोग घर बैठे दर्शन कीजिए बाबा भोले का। इधर माँ पार्वती देखिए किस तरह सभी लोग अगरबत्ती दिया जला रहे हैं, इतना भीड़ में ढोल बाजे पूरा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए किस तरह चढ़ रहे हैं पंडित जी, इधर से पूरा रास्ता एकदम सिकड़ लगा हुआ है, उसी को पकड़ पकड़ के ऊपर जा रहे हैं। अब चलिए आप लोग को पूरा देवघर घुमाते हैं, किस तरह सजा हुआ है, पूरा शिव बारात दिखाते हैं, कितना काफी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आप लोग को माँ पार्वती और बाबा भोले का दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए मंदिर को किस तरह फूलों से सजाया गया, एकदम पूरा पूरा फूल लगाया गया ऊपर में, वो साइड में मंदिर बाबा भोले जहाँ पे है वो पूरा फूल से सजाया गया, और अभी तक धागा पूरा अच्छे से बांधा नहीं गया है। देख रहे पूरा अभी चढ़ के सभी लोग बांध रहे हैं पंडित जी, सभी लोग यहाँ पे देखिए चढ़े हुए हैं, क्योंकि ये जो धागा नीचे दिखाई दे रहा है सभी लोग इसको खींचने लगते हैं, क्योंकि बाबा का धागा है तो भैया हर लोग चाहेंगे कि हर धागा ले। और अभी बोला जा रहा है कि मेन द्वार जो है सारा गेट बाबा भोले का गेट बंद कर दिया जाएगा 6:30 बजे, जो लोग सभी लोग आए हैं पूजा करके बाहर निकलने बोला जा रहा है, ये सारा गेट बंद किया जाएगा 6:30 बजे अनाउंस हो गया है। तो हम लोग चलते हैं बाहर में, और बाहर में आप लोग को अब सब व्यू दिखाएंगे। थोड़ा अंधेरा होने के बाद यहाँ का व्यू देख सकते हैं किस तरह दुकान पूरा सजा हुआ है एकदम, और यहाँ पे देखिए हर घर में लाइट लगा हुआ है, हर घर में कितना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने को भी। और इधर सभी लोग इतना श्रद्धालु लोग पूजा करने के लिए आए ना, मतलब बता नहीं सकते, आप लोग देखने के बाद पता चल गया होगा। और ये देखिए बाबा नगरी आए और प्रसाद न लिए, बाबा नगरी का पेड़ा न लिए भैया तो का लिए। थोड़ा अंधेरा होने के बाद देख सकते हैं किस तरह जगमगाने लगा है बाबा नगरी, देख रहे किस तरह रंग बिरंग का लाइट लगाया गया है यहाँ पूरे रास्ते में, पूरे इधर यहाँ पे लगाया गया, फिर बीच में गैप छोड़ के यहाँ पे लगाया गया, और सारे के घरों में भी लाइट लगा हुआ है, बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने को भी। और भैया डॉल्फिन लेना चाहते हैं इधर लीजिए, और पानी में डूब जाइए लेके। ये जो टावर है भैया इसी के पे नाम रखा गया है टावर चौक, तो इस टावर को भी देखिए पूरा लाइटों से सजाया गया, ये अगल बगल का जो होटल है उस होटल को भी सजाया गया। जाएंगे ये साइड में KKN स्टेडियम है जहाँ पे सभी वहीं से बारात निकाल ली जाती है, तो यही साइड में जाएंगे। और इधर देख रहे इस साइड ये जितना रोड है इधर गाड़ियाँ आना बंद कर दिया, क्योंकि इधर से ही बाराती आएंगे।
ये देखिए कितना बड़ा पोस्टर राम भगवान का लगाया गया और बजरंगबली और उसमें लाइट लगाया गया। ये रोड की अगर भीड़ हुआ तो आपका होश उड़ जाएगा, इतना काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है यहाँ पे शिवरात्रि में। अभी जा रहे हैं स्टेडियम की ओर, सभी लोग उधर ही जा रहे हैं, वहीं से बारात निकलते हैं। पुलिस वाले और पुलिस वाले सारे लोग आ चुके हैं पूरा रास्ते में, ये लोग लगे रहेंगे सुविधा देने के लिए, क्योंकि ये भैया लड़ाई झगड़ा ना हो, भीड़ तो बहुत तगड़ा होने वाला है। देख रहे हैं लोग अगल बगल रोड के अगल बगल बैठ चुके हैं, क्योंकि भैया बाबा भोले का बारात देखने के लिए। और इधर हम जाएंगे सीधे अभी, अरे भाई इधर स्कूटिया वाला लगता है ठोक देगा, एकदम सीधे आने लगता है। देख रहे हैं, देखिए इधर से ही बारात आएंगे ना, तो इसीलिए इधर पूरा लाइट लगाया गया। देख रहे हैं कितना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इतना तगड़ा व्यू लग रहा है ना। पर देखिए निःशुल्क सेवा, पानी इधर फल भी मिलेगा आपको भैया, एकदम निःशुल्क, सारा निःशुल्क सेवा है। सभी के बारात में जो श्रद्धालु लोग आए हैं, निःशुल्क सेवा यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। देख रहे हैं सभी लोग लाइन से लाइन बाय लाइन से, हम पानी लेंगे भैया क्योंकि प्यास लग गया है। गेट देख रहे हैं, ये गेट कोलकाता में बना था, राम मंदिर के तट पे जो पंडाल बना था दुर्गा माँ का, उसी जैसा बना हुआ है यहाँ पे। देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए शेर दहाड़ रहे हैं भैया, इससे बच के रहिएगा थोड़ा। देख रहे हैं किस तरह एकदम लग रहा है लाइट भी लगाया गया। काफ़ी ज़्यादा घोड़े वाले सारे लोग आए हैं, इसी घोड़े पे भी बारात जाएंगे सारा, कितना काफ़ी ज़्यादा पूरा ये लाइन में घोड़ा ही घोड़ा है। देख रहे सारे घोड़ा का सवारी है भैया, सारे फर्क रहिएगा क्योंकि पैर इसका बहुत लंबा रहता है, बहुत ज़्यादा। देख रहे बहुत काफ़ी घोड़ा आया हुआ है। इधर देख रहे सभी लोग एकदम खड़े हुए हैं बाबा भोले का बारात ही देखने के लिए। भीड़ देख सकते हैं खतरनाक, अगर अभी जब निकलेगा तब भीड़ देखिएगा भैया। इधर देख रहे कैकेन स्टेडियम में जो जो अंदर गए हैं वो आराम से ऊपर चढ़ गए हैं, और अब जाने को मिल रहा है कि नहीं जाने मिल रहा है, गेट पर जाने के बाद ही पता चलेगा। ये लोग वीआईपी लोग हैं, कोई ऊँट सामने से देखे नहीं होंगे आप लोग, देखिए यहाँ से सामने से कितना पैर लंबा लंबा होता है। देख रहे हैं सब अंदर जाने के लिए किस तरह भैया एकदम हल्ला कर रहे हैं, एकदम पूरा धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखिए यही गेट से बाबा भोले का बारात निकलेंगे। गेट बंद कर दिया गया, अंदर जाने के अलाव नहीं मिल रहा है। केकेएन स्टेडियम से बारात निकलना स्टार्ट हो चुका है। देख रहे झंडे लेके सभी लोग निकलना स्टार्ट कर दिए, पहले झंडे ही निकाला गया है और सभी लोग हर हर महादेव के नारा लगाते हुए निकल रहे हैं। उसके बाद ढोल बाजे वाले को निकाला जा रहा है, सभी लोग ढोल बजाते हुए बाबा भोले की बारात में मगन होके जा रहे हैं। और ये कलश देखिए कितना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और कलश के पीछे देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंग के लाइट एकदम जा रहे हैं। अरे भैया हमारे भोजपुरिया इंडस्ट्री के स्टार रितेश पांडे हीरो भी आए हैं वो है। तब तो लगता है आज पूरा ही धूम मचा के ही छोड़ेंगे। और ये राक्षस जी बाबा भोले के बारात में जा रहे हैं। अब एंट्री हो चुका है साधु संत का, आगे सेंटा है और पीछे साधु संत लोग जा रहे हैं। अब की बार तगड़ा चीज का एंट्री हुआ है, डीजे देख सकते हैं, सभी लोग बाबा भोले के बारात में एकदम झूम कर डांस करते हुए जा रहे हैं, और डीजे भी खतरनाक वाला किया गया है। अब एंट्री हुआ भोजपुरिया स्टार के अमरपाली और निरहुआ जी का, देख सकते हैं। और उनको आते ही पूरा पब्लिक में कितना उत्साह बढ़ गया है। और पिछले बार खेसारी भैया और अक्षरा सिंह आए थे, लेकिन इस बार निरहुआ जी और रितेश पांडे और अमन पारी हीरोइन, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी आए हुए हैं भोजपुरी। बाबा भोले के बारात में एक से एक लाइट बैंड बाजा किया गया है, और देख रहे हैं कितना सभी उत्साह से लोग जा रहे हैं और कितने लोग पब्लिक मनोरंजन कर रहे हैं। और अब हो चुका है सभी भूतों का एंट्री, और देख सकते हैं कितना काफ़ी सभी उत्साह से एकदम झूमते हुए नाचते हुए बाबा भोले की बारात में जा रहे हैं। इतना इतना लाइट है, डीजे है, तो भैया ये वाला बड़का वाला जनरेटर तो लाना ही पड़ेगा। इस महाशिवरात्रि में एक से एक कलाकृति दिखाया गया है, ये सब देख सकते हैं आप। तमिलनाडु में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार देखिए देवघर में भी निकाला गया है पूरा बारात में। और आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। इस बार शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा डीजे किया गया है, यहीं के लोग देवघर वाला बोल रहे थे कि लगभग 42 डीजे किया गया है।
सभी लोग झूमते हुए नाचते हुए बाबा भोले के बारात में जा रहे हैं। इस बार राम दरबार भी दर्शाया गया है और राम दरबार में बैठे हुए राम भगवान लक्ष्मण जी और माता सीते। लगभग एक घंटा से ज़्यादा हो गया, अभी तक निकलते ही निकलते हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी काफ़ी लगभग दो घंटा और बचा हुआ है, दो घंटा और ही लगातार निकलते रहे। अरे भाई यही तो राक्षस सोता भी है, सोते तुरंत उठ भी जाता है। और अब पवन देव भगवान जी पधार चुके हैं और इनकी देख सकते हैं रथ कितनी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इतना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में लग रहा है ना, तगड़ा। अब की बार पधार चुके हैं चुड़ैल जी और चुड़ैल जी की खुशी देख सकते हैं कितने काफ़ी ज़्यादा एकदम उत्साह में, एकदम खुशी में बाबा भोले की बारात में नाचते हुए जा रहे हैं। ये वाला डीजे गाड़ी का सजावट गजब का किया, देख रहे पूरा एकदम लोहा का आगे भी निकाल दिया गया और पूरा लाइट से एकदम सजावट किया गया, तगड़ा लग रहा है एकदम देखने में। और सभी डीजे के भैया जनरेटर तो रहेगा और डांस करते हुए सभी लोग मगन होके बाबा भोले के भक्ति में एकदम खो चुके हैं और रंग बिरंग का धुआं भी निकल रहा है, देख रहे हैं। गणेश भगवान अपने चूहे पे सवार होके पधार चुके हैं और चूहा देख रहे बहुत बड़ा बनाया गया और गजब का रोल किए हैं गणेश भगवान का। माता वैष्णो भी बाबा भोले के बारात में जा रहे हैं और रोल भी देख रहे हैं गजब का एकदम तगड़ा किया और सजावट जो मेकअप आर्टिस्ट लाए हैं तगड़ा लाए हैं यार। अब एंट्री हो चुके हैं यमराज जी भैया, इनसे भैया सब डर के ही रहते हैं क्योंकि इनको गुस्सा भरेंगे तो सीधा चांद पे शेर कराने ले जाएंगे। जो लोग रामलला का दर्शन नहीं किए तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और रामलला भी इस बार बाबा भोले के बारात में जा रहे हैं। अब की बार पधार चुके हैं रावण जी और देख रहे हैं रावण जी एकदम पूरा मुस्कुरा रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि गिर ना जाए। और रावण जी का फैन फ्लोइंग देख सकते हैं एकदम कितना काफ़ी ज़्यादा फैन फ्लोइंग है इनका। इंद्र भगवान कहीं भी जाते हैं अपने दासियों को लेके ही साथ में जाते हैं। अभी निकलते निकलते तीन घंटा से भी क्रॉस हो चुका है और अभी तक पूरा चीज़ निकला नहीं है, समझ सकते हैं कितना काफ़ी। इतना दूर से आप लोगों को बाबा भोलेनाथ के शादी दिखाने के लिए देवघर आए हैं तो भैया सपोर्ट करना तो बनता है। पूरी तरह केकेन स्टेडियम खाली हो चुका है लेकिन अभी कुछ कुछ बचा हुआ है, बाबा भोले निकले नहीं है। और ये देख रहे कितना काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और कितना खाली हो गया और यहाँ पे एम्बुलेंस का भी सुविधा है, एम्बुलेंस भी गाड़ी आई है कि अर्जेंट किसी का भी, क्योंकि भीड़ में कुछ भी हो सकता है ना। ये साइड पे अभी विष्णु भगवान बाहर ही निकल रहे हैं। यहाँ स्टेज भी बनाया गया है, बाबा नगरी में आपका स्वागत है शिवरात्रि महोत्सव समिति। पूरा तरह खाली हो गया, सिर्फ बाबा भोले बचे हुए लास्ट में, सिर्फ इसमें विष्णु भगवान बैठे हुए नहीं है, जिस देख रहे हैं विष्णु भगवान बैठे हुए नाग पे। और चलिए उधर चलते हैं, आप लोगों को बाबा भोले का दर्शन करवाते हैं, किस तरह बाबा भोले सजे हुए हैं दिखाते हैं। लास्ट में सिर्फ बाबा भोले ही बचे हुए हैं, देख रहे हैं देख रहे हैं ढोलक बाजे से बाबा भोले निकल चुके हैं, यहाँ पे लास्ट में हमारे बाबा भोले ही जाते हैं, देख रहे ढोल बाजे से अब पूरा केकेन स्टेडियम खा लगे, बाबा भोले ही बैलों के साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं दो बैल सवारी किए हुए हैं उधर, क्योंकि बैल का ही सवारी करते बाबा भोले। और यहाँ पे बाबा बैनाथ धाम का शिवलिंग है जो मंदिर में है वहीं पे, उसी को दर्शाया गया है। बाबा भोलेनाथ के बारात निकलते ही देख सकते हैं रोड पे कितना काफी ज्यादा भीड़ हो गया, देख रहे हैं अगल बगल पूरा साइड। रितेश पांडे भी आए हुए हैं, देख रहे भैया बारात देखने के लिए कहां कहां लोग बैठे हुए हैं।
बाबा भोले का बारात है तो आदमी कहीं भी चढ़ सकता है। कहाँ कहाँ लोग चढ़ रहे हैं भैया, देखिए कितना काफी ज्यादा ऊपर चढ़ गए हैं। और यहाँ देखिए फूल बरसाने के लिए कितना ऊपर ये बम्बूज पे चढ़ गए हैं, ऊपर में जहाँ बना हुआ है पूरा गेट जैसा, उसी के ऊपर माँ देख रहे पूरा गैप में चढ़ गया, जुनून देख सकते हैं। वहां से फूल बरसाया जा रहा है और ये भीड़ देखिए भैया, कहीं भी आपको खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। पूरा देवघर का जितना रोड है पूरा जाम लग चुका है, देख रहे दूरों दूरों तक कहीं भी खाली नज़र नहीं आ रहा। इतना काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं क्योंकि अदर अदर स्टेट से भी आते हैं, बंगाल बिहार यूपी से आते हैं। और भैया आपके भीड़ देख के आपके होश उड़ जाएंगे, इतना कहीं खड़ा होने का जगह नहीं है। रोड के बगल में ऐसा ऐसा मंदिर भी बनाया गया, देख रहे कितना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना काफ़ी ज़्यादा मस्त बनाया गया। उधर आगे हमारे राम भगवान और माँ पार्वती और बाबा भोले हैं, और ये साइड में देख रहे हैं ये साइड में बाबा भोले ही है। किस तरह पूरा मोम से मनाया गया, देख रहे मोम है पूरा मोम। यहाँ पे देखिए पूरा भूत जैसा बनाया गया, और यहाँ पे देखिए आवाज़ भी यहाँ से निकाला जाता है, देख रहे आवाज़ भी इसी, देखिए सुनिएगा अभी देख रहे यहाँ से आवाज़ भी निकाल रहे में, देख रहे किस तरह हरा लाइट लगाया गया और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जितना भी पेड़ है यहाँ पे देवघर में सारे में लाइट लगाए गए, पीछे भी देख सकते हैं इसी अभी इधर से ही आ रहे हैं, जितना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, खतरनाक सजावट किया गया पूरा देवघर।